नमस्कार। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तणित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। जय श्री राम। आज हम सभी कोरोना महामारी की आपदा से गुजर रहे हैं और हर तरफ खौफ का माहौल है, नकारात्मकता फैली हुई है, और ऐसे समय सकारात्मकता लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए प्रभु भजन और भक्ति से ज्यादा सकारात्मक और क्या हो सकता है। इसी ध्येय को ध्यान में रखकर आज हम सभी भक्ति काव्य संध्या लेकर आए हैं, जिसमें हमारे कवि मित्र अपने खुद के लिखे गीत गाकर सुनाएंगे। मैं और समय ना व्यर्थ करते हुए उनको एक एक करके आमंत्रित करती हूँ और आपसे उनका परिचय कराती हूँ। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी नीलम चंद्रा जी को। नमस्कार। नमस्कार नीलम, जय श्री राम, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। नीलम जी संस्थापक हैं इस पेज की और जिस पर हम अपने कार्यक्रम करते रहते हैं, और ये इन्हीं का आइडिया था आज भक्ति काव्य संध्या लाने का, क्योंकि हम लोग चाहते थे कुछ पॉजिटिविटी बढ़े। हाँ, कोरोना पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मैं परिचय करा दूं नीलम का। नीलम चंद्रा पेशे से इंजीनियर हैं और अभी एज ADRM पुणे में पोस्टेड हैं। इन्हें लिखने के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। आपके 5 उपन्यास, 1 उपन्यासिका, 7 कहानी संग्रह, 32 काव्य संग्रह व 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सुशोभित किया गया है। आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं इनके। नीलम को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 18 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। लिखने के अलावा इन्हें भ्रमण करना, एक्टिंग, एंकरिंग और खूब हंसने का शौक है। ये लास्ट वाला मुझे बहुत पसंद आता है नीलम। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, उन सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे अगले कवि मित्र, मैं उनको बुलाना चाहूंगी वीणा दीक्षित जी को। नमस्कार वीणा, नमस्कार स्वागत है आपका। आप म्यूट कर लें अपने को। बहुत जी, सभी। वीणा जी का परिचय मैं अपने दर्शकों से करवाना चाहूंगी। वीणा जी इंदौर की हैं, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दिल से एक कवि। पहली कविता माँ पर लिखी थी कक्षा 5 में और उसके बाद कविताओं का सिलसिला चल पड़ा। वीणा की कविताएं 3 एंथोलॉजी में प्रकाशित हो चुकी हैं और साथ ही एक इंटरनेशनल मैगजीन में भी इनकी कविता को स्थान मिला है। स्वागत है वीणा। हमारे अगले कवि हैं अनूप जालान जी। नमस्कार अनूप जी, नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। अनूप जालान जी लगभग 30 वर्षों तक सॉफ्टवेयर उद्योग से जुड़े हुए थे। ये अपना समय लिखने और संगीत में व्यतीत करते हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी के अलावा ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में भी लिखते हैं। ये बड़े वाक्पटु और विनोदी स्वभाव के हैं। थोड़ी देर में आपको ये सब पता चल जाएगा। जो इन्होंने बायो में नहीं लिखा मैं बता रही हूँ। हमारे अगले कवि मित्र हैं सरिता त्रिपाठी जी। नमस्कार सरिता। नमस्कार मैम। सरिता त्रिपाठी एक रिसर्चर, लेखिका और कवयित्री हैं। इनकी कविता 3 राष्ट्रीय साझा संकलन एवं 1 अंतर्राष्ट्रीय एंथोलॉजी में आई है। लॉकडाउन में लिखना इन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने ऑनलाइन कवि गोष्ठी में अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया है।
इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ है और लखनऊ से ये अपनी कविताएं लिखती हैं। स्वागत है सरिता। और अब हमारे अंतिम कवि मित्र पारुल रस्तोगी जी। बहुत बहुत नमस्कार पारुल, अभिनंदन सभी का। स्वागत है पारुल। पारुल रस्तोगी एक द्विभाषी कवित्री, संपादिका और गायिका होने के साथ साथ एक प्रशिक्षित अनुवादक भी हैं, जो पिछले 8 वर्षों से साहित्य और संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं। 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय काव्य संग्रहों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका एकल काव्य संग्रह लव कॉकटेल के साथ ही इनके द्वारा अनुवाद किया गया बेस्ट सेलिंग उपन्यास क्रॉसरोड्स वर्ष 2015 में लॉन्च हुआ। इनकी कविताओं का प्रसारण वेब वेब रेडियो सहित कई मंचों पर होता रहा है और म्यूजिक एल्बम में इनके गाने के साथ साथ ये दूरदर्शन पर भी गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए हिंदुस्तान गौरव सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान इन्हें प्रदान किए गए हैं। स्वागत है पारुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ हमारे सभी कवि मित्र आज आ चुके हैं और मैं चाहूंगी कि अब हमारा कविता का राउंड शुरू हो। सबसे पहले मैं नीलम को आमंत्रित करना चाहूंगी कविता सुनाने के लिए। और इनकी पहली कविता है कृष्ण भक्ति पर। किशन की लगन में मगन, नगरी घूमे अंबर चूमे, धरा पे मांगे अमन अमन। स्वागत है नीलम जी। शुक्रिया रेनू। किशन 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 की लगी लगन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, हो गई मैं तो मगन, किशन की लगी लगन, जिंदगी हुई मधुशाला, खुशी का पियू प्याला, नाचू छनन छनन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, हो गई मैं तो मगन, किशन की लगी लगन। नगरी नगरी घूमू मैं, अंबर को चूमू मैं, धरा पे अमन अमन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, हो गई मैं तो मगन, किशन की लगी लगन। खुशी के गीत गाऊं, झूमूं कभी कभी लहराऊं, बांसुरी की है सरगम, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, हो गई मैं तो मगन, किशन की लगी लगन। सुहाना हुआ ये सफर, जीवन है मस्त जगदगर, पुकारू जन्म जन्म, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, किशन की लगी लगन, हो गई मैं तो मगन, किशन की लगी लगन। किशन 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 की लगी लगन, किशन की लगी लगन, हो गई मैं तो मगन, किशन की लगी लगन। शुक्रिया।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर भजन, बहुत बहुत ही मधुर, अच्छा, बिल्कुल कृष्णमय कृष्णमय हो हो गया गया। जी। तो इसी के साथ मैं अपनी अगली कवित्री को आमंत्रित करना चाहूंगी, वीना दीक्षित जी को। मैं ही प्रकृति में दुख हरिणी, मैं ही चामुंडा शक्ति स्वरूपा, मुझ में सारा जगत समाया, मैंने ही सबको नाच नचाया। जी हाँ, ये देवी स्तुति प्रस्तुत करने वाली हैं। अभी हमने नवरात्र में देवी जी की उपासना की और अब हम सुनते हैं वीना जी से कि वो क्या लेके आई हैं। स्वागत है वीना। जी बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी जो प्रस्तुति है तो इस भजन का शीर्षक है शक्ति, जो कि पीयूष तिवारी ने लिखा है, मेरे हस्बैंड द्वारा रिटन है। तो प्रारंभ अच्छा करती हूँ देवी जी का नाम लेकर। जी, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सृजन का गीत हूँ, मृत्यु का रुदन भी हूँ, गृहस्थ शान मैं अघोरी का अभिमान हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं साम हूँ, मैं दाम हूँ, मैं दंड हूँ, मैं भेद हूँ, मैं काल का विकाल हूँ, मैं रौद्र विकराल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सौम्य हूँ तो अम्बा हूँ, पोषण करूँ अन्नपूर्णा हूँ, मैं सौम्य हूँ तो अम्बा हूँ, पोषण करूँ अन्नपूर्णा हूँ, जो रुष्ट हूँ तो काली हूँ, संहार चरण मुंडा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, ब्रह्मा का पूर्ण ज्ञान हूँ, श्री हरि की सारी माया हूँ, मैं शिव का तांडव नृत्य हूँ, संपूर्ण विश्व काया हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं सृजन का गीत हूँ, मृत्यु का रुदन भी हूँ, गृहस्थ शान भी अघोरी का अभिमान भी, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति हूँ। जय माता दी। बहुत बढ़िया वीना, बहुत बढ़िया था, बहुत बिल्कुल सुंदर गायन आपका, देवी जी की शक्ति बहुत हम सबने खूबसूरत। महसूस की जी। और अगला मैं जिसको बुलाने जा रही हूँ, उन्होंने बाकायदा प्रशिक्षण लिया है, क्लासिकल सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, कई रागों में गाते हैं। और इस बार जैसे देवी के तीन रूप होते हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, उसके बारे में ये इन्होंने भी देवी स्तुति पर ही ये अपना लेके आए हैं। अनूप जलान जी, आपके लिए बस देवी स्तुति का यही श्लोक समझ में आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै नमः। नमो नमः। जी अनूप जी, जय हो दुर्गा मैया। जय हो दुर्गा मैया। दुर्गा मैया है क्यों, सरस्वती जी की भी जय हो, लक्ष्मी जी की भी जय हो। जी हाँ, तो देवी और देवताओं आपके सेवा में प्रस्तुत है। ये देवी स्तुति है, जैसे कि रेणु जी ने बताया कि तीन रूप हैं, तो तीनों रूप के एक एक वर्ष जो है वो तीनों अलग अलग रूप के ऊपर है। इसकी जी कोशिश मैंने की है कि हमारे शास्त्रीय संगीत में जो सबसे प्राचीन शैली जो आज भी गाई जाती है उसे ध्रुपद कहते हैं, तो जी ध्रुपद की स्टाइल में मैंने थोड़ा इसको कोशिश किया है, इसको अच्छा उस तरह से अच्छा बांधने की। जी, राग मालकोस में लिया है, काफी अलग अलग विचार थे कि इसको किस राग में लिया जाए, तीन चार ट्राई किए पर फिर बाद में यही जचा, यही ले रखा है। मालकोश में हाँ, जी। और आवाज में थोड़ी तकलीफ है तो क्षमा चाहता हूँ, पहले से ज्यादा नहीं गालियां सर, मत आप निकालिएगा।
हाँ, अरे नहीं नहीं वो गालियां हम लोग बैठे ना लेने के लिए, आपका है। जयते 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 मात भवानी जयते जयते मात भवानी जयते मात वाह भवानी गौरी शिवानी गौरी शिवानी जयते मात भवानी जयते मात भ पद्माक्षी पद्मश्री कमला पद्माक्षी पद्माश्री कमला महालक्ष्मी जग कल्याणी महालक्ष्मी जग कल्याणी जयते जयते मात भवानी जयते जयते मात वीणावादिनी शारदा वीणावादिनी शारदा सरस्वती वाणी ब्रह्माणि सरस्वती वाणी ब्रह्माणि जयति जयति मात भवानी जयति जयति मात वाह आदिशक्ति के रूप अनूप आदिशक्ति के रूप अनूप जो चाहे सुमिरले प्राणी जो चाहे सुमिरले प्राणी जयति जयति मात भवानी जयति जयति
जयते 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 मात वाह क्या गाया है अलोक जी, कर देने वाला बिल्कुल अलोक जी, लग रहा है हम यहाँ क्यों बैठे हैं नहीं लग रहा था कि बस सुनते जाएं आपको और इससे वापस यहाँ इस संसार में वापस ना आए, इतना भावमय, इतना मधुर और इतना देवी दैवीय था, बहुत अच्छा था अनुप जी, बहुत अच्छा था, शब्द नहीं है तारीफ के, और हमारे दर्शकों ने भी जरूर पसंद किया होगा, उन्हें भी बहुत पसंद भाव उनको दिलों को छू गया होगा, तो बस मैं तो बस लग रहा था कि सुनते जाओ वापस ना आओ इसको तो लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं सरिता को, सरिता शिव स्तुति प्रस्तुत करने वाली है, तो दो श्लोक इनके लिए, एक श्लोक, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जी सरिता, अनम्यूट करें पहले अपने को। थैंक यू मैम, मैं कुछ कोशिश करती हूँ, मैंने लिखी हैं दो पंक्तियां। जी बिल्कुल, स्वागत है सरिता। सुनो शिव शंभु बोले शिव शंभु, सुनो शिव शंभु बोले शिव शंभु, हे शिव शंभु गौरा के शंभु, सुनो शिव शंभु बोले शिव शंभु, तीनों लोक के पालन हारा तुम ही हो जीवन के तारा, तीनों लोक के पालन हारा तुम ही हो जीवन के तारा, मिटाओ प्रभु संकट अपारा, मिटाओ प्रभु संकट अपारा, जीव जंतु सब जग हारा, जीव जंतु सब जग हारा, गले में अपने सर्प को डाला, गंगा जी को सर में धारा, हैरान हुए देख प्रभु, हे शिव शंभु सुनो शिव शंभु भोले शिव शंभु गौरा के शंभु, सुनो शिव शंभु बहुत बढ़िया सर, तीनों लोक पूजत नर नारी, तीनों लोक पूजत नर नारी, नंदी बैल के करत सवारी, नंदी बैल के करत सवारी, माथे अपने चंदा धारी, माथे अपने चंदा धारी, हाथे में कमंडल भारी, हाथे में कमंडल भारी, कानों में कुंडल तेरे जटाधारी, कानों में कुंडल तेरे जटाधारी, भांग धतूरा तुमको प्यारी, भांग धतूरा तुमको प्यारी, हैरान हुए सोच प्रभु, हे शिव शंभु भोले शिव शंभु गौरा के शंभु, सुनो शिव शंभु हे शिव शंभु भोले शिव शंभु गौरा के शंभु, सुनो शिव शंभु। धन्यवाद, बहुत बढ़िया सरिता,
भगवान शंकर बहुत की स्तुति बढ़िया, बहुत अच्छी लिखी थी और आपने बहुत अच्छी गाई। तो बहुत अब अच्छा हम लगा। जी और हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आमंत्रित करते हैं पारुल रस्तोगी जी को। बहुत मधुर गाती हैं और प्रोफेशनल सिंगर हैं। आज ये भी शिव जी की आराधना प्रस्तुत करने वाली हैं, तो एक श्लोक इनके लिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। जी पारुल, ओम नमः शिवाय। ओम हाँ जी, नमः मैं शुरू शिवाय। करती हूँ जी। जी आवाज आ रही है म्यूजिक आप लोग को? हाँ, आवाज आ रही है, आप प्रस्तुत करें। म्यूजिक को थोड़ा कम कर दो। शिव का वंदन हम करते जाएंगे, पीड़ा वो सबकी हरते जाएंगे। शिव का वंदन हम करते जाएंगे, जीवन और मृत्यु की डोर उन्हीं के हाथ, सबकी रक्षा करते रहते हमेशा साथ। जप कर नाम शिव का हम ध्यान लगाएंगे, पीड़ा वो सबकी हरते जाएंगे। शिव का वंदन हम करते जाएंगे, कर्मों को अपने साफ किए जाना, हृदय जो कोई दुखाए तो माफ किए जाना। जीवन की बगिया यूं ही महकाएंगे, पीड़ा वो सबकी हरते जाएंगे। शिव का वंदन हम करते जाएंगे, ईर्ष्या विष को जिसने कंठ में रोक लिया, जिसने शिव को चाहा स्वयं को सौंप दिया। जीवन है एक नया इसे पार लगाएंगे, पीड़ा वो सबकी हरते जाएंगे। शिव का वंदन हम करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पारुल, बहुत मधुर था और शिव जी की स्तुति बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा लिखा था, बहुत अच्छा आपने गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलम, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत था, और हमारी जो आज की मॉडरेटर है उनका इंट्रोडक्शन छूट गया था, तो मैं इनका जी इंट्रोडक्शन करा दूं। डॉक्टर जी रेणु बिल्कुल। मिश्रा, सामाजिक सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक आवाज आ रही है? जी हाँ जी जी, आ रही आवाज है। आ रही है? हाँ हाँ जी जी आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है नीलम, तो बोले आप। रेणु, डॉक्टर रेणु मिश्रा सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट कवयित्री हैं तथा गुरुग्राम में स्थित हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट कवयित्री हैं तथा गुरुग्राम में स्थित हैं। इनके चार काव्य संग्रह खाबों के परिंदे, बनफूल, मन के एवं डो टूक प्रकाशित हैं। इनके 60 से भी अधिक साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कविताएं देश विदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए काव्य गरिमा पुरस्कार, वर्ड्समिथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइड ऑफ इंडिया 2009 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये है हमारी लिटरेरी वॉरियर की आज की टीम की। हेलो, अच्छा नीलम का नेट का कुछ इश्यू चल रहा है लगता है। हाँ, आवाज आई थी मेरी कि बीच में डिस्कनेक्ट? नहीं, आ गई आ गई। आपने पूरा तो परिचय अब पढ़ आ रही दिया है है। आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ जी तो बिल्कुल। रेणु का इंट्रोडक्शन इतना ही आया? रेणु का इंट्रोडक्शन सुना ही आया कि नहीं? हाँ, सुनाई दिया। रेणु का सुनाई इंट्रोडक्शन सुनाई आया कि नहीं? जी मैम, सुन लिया रेणु मैम की सबने, पेंटिंग अब हो चाहे सब बॉल भाग हो, सभी में जाएंगे। वो एकदम उम्दा ही है। मतलब सबने एक नहीं, सबने उम्दा है, उम्दा। जैसे ही है। नीलम का फ्रीज हो गया, तो हाँ जी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नीलम, मैं सुनाऊँ हाँ बिल्कुल। कुछ? अरे बिल्कुल बिल्कुल, इंतजार में इंतजार में। सच में? मैं जैसे मैं बता दूं अपने दर्शकों को और जो मुझे हम लोगों को सुन रहे हैं कि एक होते प्रोफेशनल सिंगर जैसे पारुल हैं और एक अरे शास्त्रीय संगीत सीखे हुए और बिल्कुल विद्वान और उसके पारंगत जैसे अनूप जी हैं, एक बाथरूम सिंगर जो अपने को नीलम बोलती है, और जो एक और होते हैं जो बाथरूम सिंगर भी नहीं होते वो मैं हूँ। तो फिर भी मैं अनूप जी की कुछ बातों से मुझे बल मिला, इन्होंने जस पंडित जसराज जी की कुछ बातें मुझे बताई थी सुबह, कि उन्होंने कहा था कि गाने वाला भी भगवान है और सुनने वाला भी भगवान है, और अगर खराब गाओगे तो भी वही चाहता है कि तुम खराब गाओ, उसे वही सुनना है, और अच्छा सुनना होगा तो वो तुमसे अच्छा सुना देगा। तो मैं भी बस उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तेरा तुझको अर्पण करके जो भी मेरे से बनेगा टूटा फूटा वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, और हमारी गलतियों को कृपया माफ करिएगा, पहले से ही मैं क्षमा मांग लेती हूँ आप सबसे। राम स्तुति है, मैंने कोशिश की है लिखने की। करहु कृपा मोरे राम दुलारे, करहु कृपा मोरे राम दुलारे, कौन सो संकट जात न तारे, कौन सो संकट जात न तारे, माया से यह मन भर माया, माया से यह मन भर माया, राम रूप जो नर बिसराया, राम रूप जो नर बिसराया, को नहीं जो मोहे सम्हारे, राम राम मन रहत पुकारे, बाट जो है हम द्वार तिहारे, बाट जो है हम द्वार तिहारे,
क्षमा करो प्रभु पाप हमारे, क्षमा करो प्रभु पाप हमारे, धाइयाँ अब बेर भई है, धाइयाँ अब बेर भई है, मन पे विपदा आन पड़ी है, मन पे विपदा आन पड़ी है, शरणागत वत्सल तो है जाने, उबरे हम तो महा सुख माने, खल कपटी मन अति अभिमानी, खल कपटी मन अति अभिमानी, त्रास देत मोहे कहा न मानी, त्रास देत मोहे कहा न मानी, चरण कमल बंदौ सुखदाई, चरण कमल बंदौ सुखदाई, जय 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 श्री राम दुहाई, जय 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 श्री राम दुहाई, जय श्री राम। धन्यवाद आप सबका। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मैं ये कमेंट आप बोल रहे हो बातें नहीं है, कितना सुंदर था आपका भजन, इसमें बहुत अच्छा था, बहुत मजा आ गया। थैंक यू अनुप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग ने अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस भगवान राम को ऐसा सुनना था, उन्होंने ऐसा मुझसे ले लिया। उनकी मर्जी, उनकी लीला। अब और क्या कहें। मैं अब हमारा सेकंड राउंड पर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट राउंड हमारा यही समाप्त हो चुका है और मैं फिर से नीलम को आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता को लेकर। इस बार ये मीरा पर कुछ भजन लेकर आई है। मीरा बन गई जोगन, विष का प्याला पीकर झूमे, प्रेम में होकर मगन मगन, मीरा बन गई जोगन। स्वागत है नीलम। थैंक यू रोनू रेनू। मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन, जोगन 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 जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन। मीरा घूमी घाट घाट, खुशी से दिन रही काट काट, मीरा का दम के ललाट, जो है वो किशन की वाट, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन, जोगन 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 जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन। किशन की माला जपे, रात दिन मीरा तपे, कृष्णा कृष्णा वो रटे, चलती रहे बिना थके, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन, जोगन 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 जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन। प्यार है उसका निराला, इश्क का लेकर निवाला, चलती रहे वो मधुबाला, पी जाए विष का प्याला, मीरा बन गई जोगन, मीरा बन गई जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन,
जोगन 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 मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन। जहर भी वो पी जाए, सारे जख्म सह जाए, अब आंसू हुए पराए, किशन के वो गीत गाए, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन, मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन। जोगन 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 मीरा बन गई जोगन, ओ मीरा बन गई जोगन। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत नीलम, मेरा बन गई जोगन, हम सभी आज जोगन बने हुए बहुत खूब हैं। मैम, बहुत बढ़िया गाया आपने। तो अब हम बुलाते हैं हमारी अगली कवित्री वीना दीक्षित जी को, और ये भी कृष्ण भक्ति पर ही कुछ लेकर आई हैं। मैं तुझ पे वारी कृष्ण मुरारी, मैं तेरी राधा तू मेरा श्याम, तेरे ही दिल में अब मेरा धाम। स्वागत करे वीना जी का। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। मैं नीलम मैम का लिखा हुआ एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भक्ति की जी बात हो और राधा और मीरा का नाम ना आए तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं तो सकता, बिल्कुल। मीरा को नीलम मैम ने गाया है, अब मैं राधा के ऊपर नीलम जी का ही नीलम मैम का ही एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जी स्वागत है। राधा मैं तेरी तू मेरा श्याम, कर दिया जीवन अब तेरे नाम। राधा मैं तेरी तू मेरा श्याम, कर दिया जीवन अब तेरे नाम। लिखा है हृदय में श्याम तेरा नाम, श्याम तेरा नाम। राधा मैं तेरी तू मेरा श्याम, कर दिया जीवन अब तेरे नाम। होरी जो आई ओ रे कन्हाई, चुनरिया मैंने प्यार की सजाई, तेरे हृदय में अब मेरा धाम, कर दिया जीवन अब वाह तेरे नाम। वाह राधा वाह, मैं तेरी तू मेरा श्याम, कर दिया जीवन अब तेरे नाम। डोलू मैं डोलू हुई बावरी, हृदय में ले ले ओ सांवरे, रंग तेरी हृदय में सखा तेरा नाम, कर दिया जीवन अब तेरे नाम। राधा मैं तेरी तू मेरा श्याम, कर दिया जीवन अब तेरे नाम। बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, जय राधे राधे। बहुत बढ़िया, जय राधे राधे राधे। बहुत ही राधे, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, लिखा बहुत सुंदर, था बहुत और तुमने सुंदर। बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छा और अब लयबद्ध हम भी था बुला और गाना ही बहुत अच्छा गाया आपने। गाना बहुत अच्छा था जी। अब बहुत मैं बढ़िया। सरिता त्रिपाठी को बुलाना चाहूंगी, और इस बार सरिता जी देवी स्तुति करने जा रही हैं। तो एक श्लोक देवी जी पर, शरणागति नाथम परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जी सरिता प्रस्तुत नमस्ते करें। जी मैम, थैंक यू मैम। मैंने एक नवरात्रि पे लिखी थी गीत, वही सुनाना चाहती हूँ। जी तेरी चटकारी सी चुनरिया, तुझे
तुझे ढूंढू गली गली मैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया, तेरा सोला सिंगार सजैया। कहाँ गए मागान रचैया, तेरा सोला श्रृंगार सजैया। कहाँ गए मागान रचैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया, मैं छोटा सा एक सेवक, चरणन में जगह दे मैया। मैं छोटा सा एक सेवक, चरणन में जगह दे मैया। तेरी भक्ति से चल मेरी नैया, तेरी भक्ति से चल मेरी नैया। बस इतना कृपा कर मैया, तेरी भक्ति से चल मेरी नैया। बस इतना कृपा कर मैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया, तेरा पर्व आज है आया, तेरा पर्व आज है आया। मच धूम चोर मैया, तेरा पर्व आज है आया। मच धूम चोर मैया, तेरा आस यहाँ सब लगैया, तेरा आस यहाँ सब लगैया। बेड़ा पार कर तू मैया, तेरा आस यहाँ सब लगैया। बेड़ा पार कर तू मैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया, तू दे दे कि सारा मैया, तू दे दे कि सारा मैया। तुझे क्या पसंद है मैया, तू दे दे सारा एक मैया। तुझे क्या पसंद है मैया, मेरा जीवन तेरा मैया। तू ही है इसकी खवैया, मेरा जीवन तेरा मैया। तू ही है इसकी खवैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया, तेरी चटकारी से चुनरिया। तुझे ढूंढू गली गली मैया। एक लास्ट स्टेंजा मैंने अभी लिखी थी आज के, उसमें विपदा में पड़ी सारी दुनिया, विपदा में पड़ी सारी दुनिया। कुछ तो कर दे अब मैया, विपदा में पड़ी सारी दुनिया। कुछ तो कर दे अब मैया, कष्ट काटो सबकी मैया, कष्ट काटो सबकी मैया। तेरा भक्त कहे यही मैया, तेरा भक्त कहे यही मैया। कष्ट काटो सबकी मैया, तेरा भक्त कहे यही मैया। तेरी चटकारी से चुनरिया, तुझे ढूंढू गली गली मैया। तेरा सोला श्रृंगार रचैया, कहाँ गए मागान रचैया। तेरी चटकारी से चुनरिया, तेरी चटकारी से चुनरिया। जय माता दी। बढ़िया बहुत सरिता, जय माता दी। और अब मैं रेणु से दरखास्त करती हूँ कि उन्होंने विष्णु के एक अवतार राम जी के बारे में कुछ सुनाया, तो अब क्यों ना किशन के बारे में उनसे भी हम सब कुछ सुने। क्या
अरे अब मैं तो इसको स्किप करने वाली थी, मुझे लगा शायद नीलम भूल जाए, मैं तब से यही बना नहीं रही नहीं थी अच्छा हुआ ऑनलाइन बंद कर दूं मैं एक बार फिर से तेरा तुझको अर्पण करते हुए फिर से आप हाँ भजन तेरा सुना तुझको अर्पण, सकती हाँ हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो तेरा तुझको अर्पण आओ चले यमुना के तीर सवरिया, आओ चले यमुना के तीर कन्हैया, आओ चले यमुना के तीर डार कदम्ब पे झूला झूले, डार कदम्ब पे झूला झूले, हिल मिल करें किलोल सवरिया, हिल मिल करें किलोल, आओ चले यमुना के तीर कन्हैया, आओ चले यमुना के तीर, गाऊं गीत मधुर मैं कोई, गाऊं गीत मधुर मैं कोई, बंसी की धुन छेड़ सवरिया, आओ चले यमुना के तीर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल दोअन मोल सवरिया, कुंडल दोअन मोल, आओ चले यमुना के तीर कन्हैया, आओ चले यमुना के तीर, तो से तोर ही बात करूं मैं, तो से तोर ही बात करूं मैं, तू भी ही पट खोल सवरिया, तू भी ही पट खोल, आओ चले यमुना के तीर कन्हैया, आओ चले यमुना के तीर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय बहुत राधे बढ़िया राधे। मैम, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, राधे बहुत बढ़िया। राधे। अब आपको ये नहीं और बोलना चाहिए कि हम गाते नहीं है, आप बहुत अच्छा गाते हाँ हैं अरे हाँ, मैं भी यही कहने वाला था गेनू जी कि आपको सच अपने ग्रेड जो है वो बिलो बाथरूम सिंगर कहने का आपको अधिकार चेंज करने मिल पड़ेंगे अपडेट करना गया पड़ेगा अब सरेआम मेरा मजाक बनाना बंद हो और हम आगे बढ़े इस कैटेगरी और की सिर्फ मैं ही हकदार हूँ, इस कैटेगरी की सिर्फ मैं नहीं इकलौती हकदार नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं इस मैम नीलम आप भी को बहुत अच्छा गाती बहुत हैं। अच्छा गाया था आपने। अच्छा अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, और जैसा कि मुझे ये भी अनूप जी ने बताया कि किसी भी कार्यक्रम का समापन राग भैरवी से होता है, और अनूप जी आज जो लेकर आए हैं वो हमें राग भैरवी में सुनाने वाले हैं। ये कृष्ण पर है, और जब वो चले गए थे तो उनके विरह में गोपियां और राधा जी कैसे थी उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है। कैसे निष्ठुर है कृष्ण मुरारी, देख हाल मुरी तनिक दया न आई, विरह अग्नि में जलती देखा, धाये नहीं मेरी सुध ले आई। स्वागत है अनूप जी। थैंक यू रेणु जी, थोड़ा सा आपको ये इस बंदिश का एक बैकग्राउंड में बताना चाहूंगा जी कि जी अगर हो बिल्कुल सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई 1979 में पहली बार मैंने लाइव कोई म्यूजिक रिसाइटल प्रोग्राम फेस्टिवल में अटेंड किया था क्लासिकल का। अच्छा उसमें पंडित बिरजू महाराज ने इस ये धुन पर, जिसके ऊपर मैं जो धुन मैंने ली है उसी धुन पर उन्होंने एक दूसरी ठुमरी के ऊपर नृत्य किया था, अरे वाह और वो ठुमरी अच्छा बहुत प्रसिद्ध है। उसके उसी तरह की धुन पे और भी कई ठुमरियां इस तरह से गाई बजाई जाती हैं। जी तो उस समय से ये मेरे दिमाग में कोई कारण से धुन बैठी हुई थी, और ये शब्द 40 साल से ऊपर हो गए, 42 साल से ये शब्द मेरे दिमाग में थे, पर सिर्फ पहली लाइन फिक्स थी, उसके आगे कभी आया नहीं। फिर ये कुछ साल पहले अच्छा मेरे को एकदम से अचानक हुआ, तो वो
आगे की बैठाई उस पे, और वो जो है शब्द इसमें कहीं कोई नया नहीं है, कुछ नहीं है, जो सब बहुत लोगों ने इसके ऊपर लिखा है। मैंने कोई खास कुछ अलग से कुछ किया हो, बहुत कोई बढ़िया किया हो, ऐसा नहीं है, पर बस मन की भावना है तो वो आ गई साहब, उनकी इच्छा थी कृष्ण जी की। बस प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, जानत हो तुम अगत हमारी, जानत हो तुम अगत हमारी, फिर भी हमसे तने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम हमारी, तुम्हारी प्रीत पुरानी, हमारी तुम्हारी प्रीत पुरानी, युग युग की है यही कहानी, युग युग की है यही कहानी, लाख मनाए हम एक ना मानो, लाख मनाए हम एक ना मानो, तरसाने पे ठने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम कैसे, जाओ जी जाओ जी तुम शाम बड़े झूठे, जाओ जी तुम शाम बड़े झूठे, हमसे ही छल कर हमसे ही रूठे, हमसे ही छल कर हमसे ही रूठे, प्रेम मिलन की लगन लगा के, प्रेम मिलन की लगन लगा के, तपन देत घने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम कैसे बने हो, प्रभु जी तुम कैसे। वाह बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सुनकर, हिंसा के लिए सच में एकदम से हम लोग खोस से गए थे। बिल्कुल अनूप जी, आप जो गाते हैं तो वो तो है ही, आपने जो लिखा है वो अद्भुत है, कितना बढ़िया लिखा है, और जैसे बिल्कुल दिल के उद्गार और बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, और उसी से बिल्कुल सटीक राग आपने चुनी है जिसपे वो गाया है, बहुत अच्छा। और अब इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया, और हमें मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे गीत सबने, हमारे कवि मित्रों ने प्रस्तुत किए, उन सबका धन्यवाद, नीलम का धन्यवाद, अनूप जी का धन्यवाद, सरिता का धन्यवाद, वीना दीक्षित जी, पारुल जी, सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने मधुर गीत प्रस्तुत किए। और चलते चलते बस दो लाइनों में मैं समाप्त करूंगी, जैसा कि हम बता रहे थे कि हम सकारात्मकता बिखेरने के लिए आज हमने ये प्रस्तुत किया था, ये आयोजित किया था कार्यक्रम, और मुझे आशा है कि जरूर हम कुछ सफल हुए होंगे इसमें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबसे विदा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।